सीधा रुख करवाता हूँ आप सभी को अगली खबर से जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। हाल फिलहाल अगर हम बातचीत करें तो कोटा के अंदर धारा 144 लगा दी गई है और इसी को लेकर के जयपुर में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आखिरकार क्या कुछ देखने को मिला। युवाओं का आज इस वार्ता में मैं स्वागत करता हूँ। आज की जो वार्ता है वो इस विषय पर रखी गई है कि आप सभी ने देखा कि किस प्रकार कोटा में धारा 144 को किन परिस्थितियों के अंदर लगाया गया है। धारा 144 का जो ऑर्डर है वो आप सभी ने देखा होगा, उसमें एक फिल्म के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए द कश्मीर फाइल्स, उसके मद्देनजर कोटा के अंदर धारा 144 लगाई गई है। उसमें कुछ और तथ्यों को भी कलेक्टर के द्वारा लिखा गया है। एक लिखा गया है कि सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील त्योहारों और त्योहारों का उल्लेख किया गया है, उसके साथ में जो अभी मूवी चल रही है उसका उल्लेख किया गया है और चंबल नदी पर जो दुर्घटनाएं प्रक्रिया संहिता 1973 को इन्वोक करने की भर्त्सना भी भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के कार्यकर्ता करते हैं। जिस प्रकार से ये 144 को कोटा शहर के अंदर लागू किया गया है, यह उन दिनों की याद दिलाता है जब कांग्रेस सरकार के द्वारा ही आपातकाल लगाया गया था। उस समय भी मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई थी और जो विरोधी विचारधारा के लोग थे या विरोधी विचारधारा के कार्यकर्ता थे उनके विचारों को अग्रसर होने से रोकने का काम कानून के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने किया था, कानून का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस सरकार ने किया था। यहां पर भी 144 का उपयोग, जो कश्मीर फाइल से मूवी आई है उसके जो विचार है वो अधिक लोगों तक ना पहुंचे और उसके विचारों को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश पर 144 का उपयोग किया गया है। 144 का उपयोग करना विधि के विरुद्ध है, असंवैधानिक है और उसके साथ साथ अलोकतांत्रिक भी है। इस देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो संविधान में प्रदत्त अधिकारों की बात करते हैं। मैं बात करता हूं कि आज वो सभी संगठन कहां हैं जो संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स भारत के सिटीजन्स को दिए गए हैं उनकी बात आज वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। आप सभी ने देखा कि 144 का जो ऑर्डर है वो विधि का स्थापित सिद्धांत है कि किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। पहले एक इंक्वायरी करनी पड़ेगी और उस इंक्वायरी से अगर ये लगता है कि कोई इमिनेंट डेंजर है, पीस और ट्रैंक्विलिटी को खतरा है, उन परिस्थितियों में 144 को इन्वोक किया जा सकता है। जो ऑर्डर कलेक्टर के द्वारा पास किया गया है उसमें कहीं पे भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि कलेक्टर के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी की गई हो। एक तो इंक्वायरी नहीं की गई, दूसरी एसपी के किसी लेटर का उल्लेख करते हुए कि उनका एक पत्र प्राप्त हुआ इसलिए इन्होंने 144 धारा लगा दी गई। इस प्रकार से किसी भी कानूनन जो प्रावधान है उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर इस प्रकार से कोई उपयोग किया जाता है तो उसको कानून का दुरुपयोग करने की श्रेणी में लिया जाएगा। यह भी विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि 144 का उपयोग। युवाओं का आज इस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। आज की जो वार्ता है वो इस विषय पर रखी गई है कि आप सभी ने देखा कि किस प्रकार कोटा में धारा 144 को किन परिस्थितियों के अंदर लगाया गया है। धारा 144 का जो ऑर्डर है वो आप सभी ने देखा होगा, उसमें एक फिल्म के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए द कश्मीर फाइल्स, उसके मद्देनजर कोटा के अंदर धारा 144 लगाई गई है। उसमें कुछ और तथ्यों को भी कलेक्टर के द्वारा लिखा गया है। एक लिखा गया है कि सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील त्योहारों और त्योहारों का उल्लेख किया गया है, उसके साथ में जो अभी मूवी चल रही है उसका उल्लेख किया गया है और चंबल नदी पर जो दुर्घटनाएं। प्रक्रिया संहिता 1973 को इन्वोक करने की भर्त्सना भी भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के कार्यकर्ता करते हैं। जिस प्रकार से ये
44 को कोटा शहर के अंदर लागू किया गया है, यह उन दिनों की याद दिलाता है जब कांग्रेस सरकार के द्वारा ही आपातकाल लगाया गया था। उस समय भी मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई थी और जो विरोधी विचारधारा के लोग थे या विरोधी विचारधारा के कार्यकर्ता थे उनके विचारों को अग्रसर होने से रोकने का काम कानून के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने किया था, कानून का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस सरकार ने किया था। यहां पर भी 144 का उपयोग, जो कश्मीर फाइल से मूवी आई है उसके जो विचार है वो अधिक लोगों तक ना पहुंचे और उसके विचारों को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश पर 144 का उपयोग किया गया है। 144 का उपयोग करना विधि के विरुद्ध है, असंवैधानिक है और उसके साथ साथ अलोकतांत्रिक भी है। इस देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो संविधान में प्रदत्त अधिकारों की बात करते हैं। मैं बात करता हूं कि आज वो सभी संगठन कहां हैं जो संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स भारत के सिटीजन्स को दिए गए हैं उनकी बात आज वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। आप सभी ने देखा कि 144 का जो ऑर्डर है वो विधि का स्थापित सिद्धांत है कि किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। पहले एक इंक्वायरी करनी पड़ेगी और उस इंक्वायरी से अगर ये लगता है कि कोई इमिनेंट डेंजर है, पीस और ट्रैंक्विलिटी को खतरा है, उन परिस्थितियों में 144 को इन्वोक किया जा सकता है। जो ऑर्डर कलेक्टर के द्वारा पास किया गया है उसमें कहीं पे भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि कलेक्टर के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी की गई हो। एक तो इंक्वायरी नहीं की गई, दूसरी एसपी के किसी लेटर का उल्लेख करते हुए कि उनका एक पत्र प्राप्त हुआ इसलिए इन्होंने 144 धारा लगा दी गई। इस प्रकार से किसी भी कानूनन जो प्रावधान है उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर इस प्रकार से कोई उपयोग किया जाता है तो उसको कानून का दुरुपयोग करने की श्रेणी में लिया जाएगा। यह भी विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि 144 का उपयोग। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।